आज के युवा अपनी हर फील्ड में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और कुछ जज्बा रखते हैं सिफर बैंड के ये 6 मेंबर्स। ये सब अब प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के बावजूद अपने इस पैशन के लिए टाइम निकालते हैं। तो क्या है इन सब की कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ये हैं सिफर बैंड के 6 जोशीले यंगस्टर्स जो म्यूजिक के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। ये भले ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हों लेकिन म्यूजिक इनका पैशन है। इस बैंड की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हमारे बैंड की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले, जब राहुल, कमल और जेम्स मुझसे मैमसिंग में मिले थे आके, और मैंने गुरु को अप्रोच किया था ड्रमिंग के लिए, और हम लोग साथ में जाम किए कुछ दिन, और फिर आफ्टर 5-6 मंथ्स अहमर से मिले, और उसके बाद वी गॉट टुगेदर एंड वी स्टार्टेड जामिंग एंड ऑल, एंड हमने फिर कुछ शोज़ किए काफ़ी जगह पे, काफ़ी कॉलेजेस में, और कुछ सेलेब्स के साथ परफॉर्म किया। धीरे धीरे वी गॉट टू नो ईच अदर, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता गया, और फिर ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे हम। प्रशांत पेशे से डॉक्टर हैं और बैंड के लीड वोकलिस्ट भी। डॉक्टर होने के बाद भी वो म्यूजिक के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। इस बैंड ने अब तक खुद की कई कॉम्पोजिशंस तैयार की हैं। ये चाहते हैं कि इनके आइडियाज गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ वी यूज्ड टू प्ले कवर्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने जाम करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग आवर ओन स्टफ, तो हमने अपने गाने बनाए एंड हमने कुछ फ्यूजन ट्राई किया। हम हिंदुस्तानी क्लासिकल को, सूफी को हमने फ्यूज़ किया, और बेसिकली हम एक बैंड का आइडिया लेके चल रहे हैं। हम किसी थॉट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने बैंड से। इट्स ओनली नॉट ओनली अबाउट म्यूज़िक, हम कुछ किसी आइडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम अपने नेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जिस पे हमारा नेशन चलता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बेसिक यूनिटी है, जो सेकुलरिज्म जिस पे हमारा देश स्टैंड करता है आज, और इस सब को रिप्रेजेंट करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रिदम गिटारिस्ट राहुल अभी MBA कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब के साथ साथ बैंड से भी जुड़े रहना चाहते हैं। ये मानते हैं कि शुरुआत से ही इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म करना काफी बड़ी अचीवमेंट है। हमारी अचीवमेंट है कि हमने मोस्टली इंडियन सेलिब्रिटीज का परफॉर्म किया है, और रिसेंटली हमने एम्स में भी शंकर सैन लॉय को ओपन किया था, और आई थिंक सबसे बेस्ट हमारी वही परफॉर्मेंस रही है। हमने इंडियन सेलिब्रिटीज़ में शान हो गया, सुनिधि चौहान हो गया, पाकिस्तानी बैंड जल हो गया, कुणाल गांजा वाला हो गया, इन सब का परफॉर्म किया है। लीड गिटारिस्ट अहमद पेशे से मार्केटिंग फर्म में एनालिस्ट हैं, पर वो भी अपने म्यूजिक, अपने पैशन के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। यहाँ उन्होंने अपने बैंड के प्लान्स के बारे में भी बताया। अभी बैंड के काफ़ी प्लान्स हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक सॉन्ग एक CD पे फीचर हुआ है जो कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसके बाद हम और गाने लिखना चाहते हैं, अपना ओरिजिनल म्यूज़िक और करना चाहते हैं। एक शायद हम एल्बम का सोच रहे हैं फ्यूचर में, कुछ नया देना चाहते हैं बेसिकली लोगों को। हमें लगता है लोग बोर हो चुके हैं सारे सेम हिंदी रॉक बैंड सुन के, सबका म्यूज़िक सेम ही होता है, तो हम जानते हैं हम कुछ नया कर सकते हैं। कमल बैंड में कीबोर्ड प्ले करते हैं और हर मौके पर इन सब का साथ देते हैं अमित जेम्स। AR रहमान को अपना आइडल मानने वाले कमल बैंड के सबसे छोटे मेंबर हैं, इसलिए उन्हें यहां सबसे प्यार भी बहुत मिलता है।
ये सब मजाक भी करते हैं काफ़ी मेरे साथ, और मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि सारे लाइक करते हैं मेरे को, काफ़ी सीनियर हैं, बस एक ही है उनमें सताने वाले, सिर्फ राहुल। अभी तो फिलहाल मैं प्लान अपने बैंड के लिए कर रहा हूँ, अपने बैंड को आगे ले जाना है, अपने बैंड के साथ इन्वॉल्व होकर मुझे कुछ करना है, और उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अपना एक स्कूल हो, म्यूज़िक स्कूल, और मेरा यही मेन प्लेटफॉर्म है कि मैं यहाँ से आगे जाके अपना अर्निंग सोर्स भी ऐसा बनाऊँ अपने बैंड के साथ। बैंड के ड्रमर गुरु कृपा मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही अपने म्यूजिक के लिए भी काफी हार्ड वर्क करते हैं। रॉक बैंड्स की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना ही इनका मकसद है। हमने शुरू ही किया था कि हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं दूसरों से, कि जो बैंड ऑलरेडी हैं डोंट लाइक टू नेम एनी वन, मतलब जो मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर काइंड ऑफ म्यूजिक बन रहा है, तो हमने शुरू ही सोच से किया था कि हम कुछ अलग करेंगे, और सबके इन्फ्लुएंसेस अलग अलग हैं। जैसे मुझे मेटल म्यूजिक अच्छा लगता है, गिटारिस्ट को मेटल अच्छा लगता है, प्रशांत सर क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं, इवन कीबोर्डिस्ट क्लासिकल बैकग्राउंड, तो जब सब अमेलगमेट होता है तो एंड रिजल्ट अच्छा आता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द म्यूजिक। ये सभी अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने म्यूजिक को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बैंड का एक एल्बम निकालने का भी सपना है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये युवा हमें कुछ और नए कॉम्पोजिशंस के साथ एंटरटेन करते नजर आएंगे। सिफर बैंड के इन सदस्यों को मेरा सलाम। इसी जोश के साथ ये अपने मुकाम तक जरूर पहुंचे। फिलहाल समय की अहमियत की हमने बात की थी, तो उसको ध्यान में रखना भी जरूरी है, इसीलिए हम जोश के सफर को यही विराम देते हैं। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें अपनी राय भेज सकते हैं josh@cnev.in पर। साथ ही आप हमें स्क्रीन पर दिए गए पते पर भी खत लिख सकते हैं। तो फिलहाल अब मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।